इसरो के ध्रुवीय प्रक्षेपण यान पीएसएलवी का यह 47वां अभियान पीएसएलवी C45 है, जिसमें वह एक साथ 29 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। इस उड़ान में यान उपग्रहों को दो अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करेगा। इस अभियान में पहली बार 4 स्ट्रैप ऑन मोटर वाला पीएसएलवी का QL संस्करण उड़ान भरेगा। इससे पूर्व पीएसएलवी ने 2, 6 या फिर बिना स्ट्रैप ऑन मोटर्स के उड़ान भरी थी। इस अभियान द्वारा भारत के मुख्य उपग्रह EMISAT को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका भार करीब 436 किलोग्राम है। इसके साथ पीएसएलवी C45 विदेशों के 28 कस्टमर उपग्रहों को भी प्रक्षेपित करेगा। इन विदेशी उपग्रहों में से 24 अमेरिका के हैं, जिसमें भू अवलोकन हेतु 20 फ्लॉक उपग्रहों का समूह शामिल है। साथ ही वेसल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ 4 लेमूर उपग्रह भी शामिल है। अन्य 4 उपग्रह लिथुएनिया, स्पेन एवं स्विट्जरलैंड के हैं। इस उड़ान में पीएसएलवी के चौथे चरण को अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों के लिए ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जाएगा। इस चरण में 3 भारतीय पेलोड लगाए गए हैं। AMSAT इंडिया का ऑटोमेटिक पैकेट रिपीटिंग सिस्टम APRS, इसरो का ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर आयनोस्फेरिक स्टडीज ARIES। APRS एमेच्योर रेडियो एप्लीकेशन के लिए डिजिटल रिपीटर है। यह एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स को पोजीशन डेटा की ट्रेनिंग एवं मॉनिटरिंग में मदद करेगा। AIS को जलयानों के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया गया है। यह समुद्री जहाजों द्वारा प्रसारित किए गए संदेशों को ग्रहण करके उन्हें भू स्टेशनों को प्रसारित करेगा। ARIES एक प्लाज्मा एवं इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण है, जिसे आयनोस्फीयर के रचना संबंधी अध्ययन के लिए बनाया गया है। इस अभियान में पीएसएलवी सबसे पहले 749 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में EMISAT को प्रक्षेपित करेगा। उसके पश्चात अपने इंजन को 2 बार फायर करने के बाद चौथा चरण PS4 504 किलोमीटर की निचली कक्षा में आएगा और 28 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। उसके पश्चात यह चरण 485 किलोमीटर की कक्षा में आएगा और फिर 3 पेलोड की मदद से अंतरिक्ष संबंधित प्रयोग करेगा। पहली बार पीएसएलवी के चौथे चरण में सोलर पैनल भी लगे होंगे, जो कक्षा में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। एक टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में PS4 की उपलब्धता से रियल टाइम में पृथ्वी के आयनोस्फीयर के अध्ययन का अवसर मिलेगा, जिसे भविष्य में आयनोस्फीयर के सटीक मॉडल का विकास करने में मदद मिलेगी। यह उपग्रह के नेविगेशन सिग्नल को और अधिक बेहतर एवं सटीक बनाने में सहायक होगा। ये मॉडल अन्य अनुप्रयोगों में भी बहुत मददगार होंगे। पीएसएलवी C45 भारत के स्पेस पोर्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर शहर श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से अब उड़ान भरने के लिए तैयार है।